नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं अनुकुल तिवारी। आज हम लोग दाऊजी मिष्ठान भंडार में आए हैं। ये जगह कदम कुआं में पंजाब नेशनल बैंक के ठीक नीचे है। दरअसल यहां समोसा हद से ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि यहां शुद्ध घी में समोसा मिलता है। यहां पे समोसा बनने के प्रोसेस में है। ये भैया हमारे बनाते हैं समोसा। ये भैया हमारे समोसा बनाते हैं। क्या नाम हो आपका भैया? मेरा नाम है राजवीर। आप उनको बताइए, ये दुकान कितने सालों से है? इस दुकान को हो गया कम से 17-18 साल हो गए भैया। 17-18 जी। और आप यहाँ पे कितने दिन से काम कर रहे हैं? मेरे को 10 साल हो गया। मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि आप ऐसा समोसा में क्या डालते हैं कि लोग दूर दूर से खाने आते हैं दाऊजी का समोसा। पहला सवाल भैया कि हमारा समोसा घी का, शुद्ध घी का जी। और फिर सबसे अलग, फिर हमारा क्वालिटी है, बनाने का तरीका सबसे अलग, हमारा साफ़ सफाई का सबसे पहला काम, ठीक है। और हमारे यहाँ का क्वालिटी भी सबसे अच्छा बेहतरीन है। मसाला भी हम आप जो भी कहते हैं, जो भी मसाला भरा हुआ है वो भी हमारा मसाला सबसे अलग है। हमारा मसाला हमारे यहाँ सब आगरा से मसाला आता अपना सब। अच्छा, आगरा से जी। आप लोग मसाला जी। अच्छा, आपने जैसे बोला कि लोगों से अलग रहता है, एक पॉइंट बताएं क्या अलग रहता है जी? क्या जैसे मैंने देखा अक्सर करके कि पहली बात तो साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है किसी को। हाँ, जो बाकी दुकानों में साफ सफाई का कोई ढंग नहीं। कहीं भी जाइए, किसी भी दुकान में जाइए, मैं ये नहीं करूँ कि मान कोई भी दुकान, किसी का भी दुकान हो, कहीं भी जाइए कोई साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। जैसा माल है वैसा रखा हुआ है। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे पहले साफ सफाई का, और फिर उसके अंदर में जो भी मसाला भरा हुआ है हमारा मसाला सब बाहर से आता है। उसके अलावा इसमें जो आलू है, हमारा आलू एकदम बढ़िया क्वालिटी का लाल आलू बनता है। लाल आलू में जी। समोसा में ऐसा कुछ डाल, आलू के अलावा पनीर वनीर भी डालते हैं या बस आलू? घी में फ्राई हुआ, घी में भूजा जाता है, शुद्ध घी में। घी में जी। घी है? हाँ जी, ये घी है। ये घी है जी। जो भी इसके साथ जो भी हम खट्टा मीठा चटनी देते हैं, ग्रीन चटनी है, वो हमारा धनिया का रहता है एकदम, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो मीठा चटनी हम अपना चीनी का बनाते हैं एकदम बढ़िया। डुप्लीकेट का कोई सवाल ही नहीं है दाऊजी मिष्ठान भंडार में। उसीलिए तो तभी तो इतना फेमस समोसा हमारे यहाँ के दाऊजी का। आप रेट बता सकते हैं क्या पर समोसा का? 12 रुपए पीस हमारा समोसा। 12 रुपए पीस जी, एक समोसा जी। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे समोसा तला जाता है। एक एंट्री गेट ये है और एक एंट्री गेट ये। यहाँ पे समोसा का काम चलता है इसलिए वहाँ से जाने की जगह नहीं है, इसलिए मैं इधर से जाऊँगा और मैं शॉप के ओनर से मिलना चाहूँगा। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। कैसे हो? नाम क्या हुआ सर? सुरेंद्र मित्तल। सुरेंद्र मित्तल। ये दुकान कितने सालों से आप चला? 15 साल हो गया इसको। 15 ईयर। हाँ, आपका समोसा पूरे जगह, न कि बस कदम कुआ, पूरे पटना में फेमस है। इसका कुछ राज बताएं आप। नहीं, राज तो हम लोग आगरा यूपी से आके इस्टेब्लिश किए, तो जिस समय आए थे सन 2004 में, तो देखा मुझको कुछ खाने को अच्छा नहीं मिला। मैं दूसरे किसी काम से आया था। आप आगरा से आए थे यहाँ किसी दूसरे काम की वजह से? हाँ। 7 दिन रुकना हुआ तो मुझे यह आगरा वाला टेस्ट नहीं मिला। हाँ। यूपी वाला तो 7 दिन में मेरे को तो दिमागी हो गया। मैंने कि बजाय दूसरे काम के आगरे वाले कल्चर को, यूपी वाले कल्चर को यहाँ पर लाया जाए। तो फिर वो सन 2005 में हम लोग इस्टेब्लिश किए, तो पूरा पैटर्न मेरा यूपी वाला है। पूरा पैटर्न आपका यूपी वाला? जो भी मिलेगा यूपी आगरा में, जो मथुरा वृंदावन साइड का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा पूरा उसमें। बाहर भैया ने बताया कि 12 रुपए में एक समोसा आप लोग देते हैं जी। जी, और शुद्ध घी में? नहीं नहीं, अभी नहीं बनाते, रिफाइंड में बनाते हैं। अभी रिफाइंड में बनाते? हाँ, 4 साल से पहले बनाते थे, लेकिन पहले घी में बनाते हैं। अब चूंकि घी होने से 18-20 रुपए हो जाता, तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम था। अच्छा, अब रिफाइंड में बनाते? पहले घी में बनाते? पहले घी में। आप अपने समोसे के मसाले के बारे में बताएं, क्योंकि जगह जगह समोसा का दुकान है, लोग वहाँ क्यों नहीं खाएगा कि आप नहीं? तो मेरे तो समोसे के मसाले में जो गर्म मसाला बेस बनता है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, तो कौन डालेगा? अभी समोसा तो उसको बस बना देना है, लोगों को कॉन्सेप्ट है समोसा बना के बस खिला देना, रोटी जैसे बना देगा। आप ऐसा मसाला आगरा वाला डालते हैं? आगरा उस, हाँ, वो सब महंगे मसाले डालते हैं इसमें। कितने बजे दुकान खुल जाता है? सुबह खुलता है 9:30 बजे। 9:30 बजे कितने लोग काम करते हैं आपके? मोटा मोटी 20-21 लोग काम करते हैं हम लोगों के। जैसे आपने बताया कि बस मसाले का? नहीं, मसाला है, धनिया चटनी है, 20 रुपए किलो धनिया रहेगा। हाँ, धनिया का 20 रुपए का धनिया किलो भी रहेगा, और 300 रुपए किलो भी धनिया रहा ना।
तब भी हम लोग धनिया की चटनी लगाते हैं। आप सोचिए 300 रुपये किलो धनिया चटनी कौन लगाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों का जो है उससे मतलब नहीं है, अच्छा बनाना है समोसा। हाँ समोसा तो हाँ अट्रैक्ट, हाँ बस बस समोसा मेरा क्या है कि एक बेसिक चीज़ है, बाकी मेरे दुकान के अंदर मिठाई वगैरह आता है उसमें कुछ दो पैसा कमा लेते हैं फेमस समोसे की वजह से। तो वो उसकी लागत भी मेरी 12 रुपए से ज़्यादा ही आती है, लेकिन समोसा मेल का एक सौदा है कि उसे अट्रैक्ट है, कि दुकान का एक नाम है, ब्रांड वैल्यू है समोसे से, तो इसलिए समोसे के साथ में। और कभी भी लोगों को और पटना में किसी का समोसा खाइए कंठ जलेगा, ये जलेगा, रिफाइंड का वो आता है, हाँ मेरे में नहीं आएगा, ठीक है ना। आइए कुछ लोग से जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के समोसा का टेस्ट के बारे में। हेलो आंटी, आप यहाँ के समोसा के बारे में कुछ बताएं हमको कि क्या तो अलग है? रेगुलर कस्टमर नहीं है, कभी कभी आते हैं तो खा के जाते हैं। और कुछ टेस्ट इसका अलग बाकियों से? ऐसे तो बहुत ज़्यादा हम आइडिया नहीं है समोसा का, तो ठीक है टेस्ट तो ठीक है, गरम मसाला का ही टेस्ट आ रहा है, जो इन्होंने बताया इंग्रेडिएंट के बारे में वही टेस्ट आ रहा है। हेलो भैया। हाँ भैया, आप देखिए कि बहुत ज़्यादा समोसा पैक करके घर ले जा रहे हैं। भैया इसका टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, एक बार खाइएगा तो बार बार खाइएगा, एक बार खाएंगे तो बार बार। हाँ और भी जगह का जो रहता है उससे बेहतर रहता है ये, हाँ बहुत ही फेमस है इनका। जगह जगह चौराहे चौराहे पे समोसा का दुकान है, आप कहाँ से आए समोसा लेने? हम तो ये दलदली से आए, बगल से। दलदली बगल ही से, लेकिन हाँ। आप हमेशा ले जाते हैं पैक करा के? हाँ ये दाऊजी का समोसा बहुत ही बढ़िया लगता है, हाँ और बहुत ही स्वाद में बहुत हाँ। ही ज्यादा अच्छा। यहाँ का गुपचुप वगैरह भी बहुत ही बढ़िया रहता है। हाँ भैया, समोसे के अंदर ऐसा क्या जादू है जो आपको खींचा चला आता है ये बताइए हमको। इनका टेस्ट अच्छा रहता है, इनका समोसा ताजा रहता है भैया, ये ऐसा बासी वाला बात नहीं। हाँ इसमें चटनी वटनी जो रहता है ना नरम शुद्ध रहता है बना हुआ, हाँ हरा चटनी। हाँ भैया और जैसे कि देख सकते हैं आप मेरा समोसा रेडी है गरम गरम, और हरी चटनी क्योंकि मीठी चटनी मैं खाता नहीं हूँ। बस बस भैया, और समोसा टेस्ट करेंगे अभी हम लोग, काफ़ी ज़्यादा गर्म है, चटनी में शुद्ध धनिये का स्मेल आ रहा है, इतने दूर खड़ा हूँ फिर भी धनिये का स्मेल आ रहा है, तो काफ़ी गर्म है अभी। बहुत ही गरम और शुद्ध समोसा, मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, हद से ज़्यादा टेस्टी है, और धनिये का चटनी का तो क्या ही बोले, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है इसका चटनी, बहुत लाजवाब है। मैंने तो समोसा खा लिया दाऊजी का, जो कि हद से ज़्यादा लाजवाब है। मैं कहूँगा पटना निवासी और पटना के बाहर भी जो लोग यहाँ आ रहे हैं पटना में, वो कदम कुआं आए दाऊजी के समोसे का मजा लें, हद से ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा। तो जैसा कि आपने देखा कि आज मैंने समोसा का मजा लिया, जो कि हद से ज्यादा शुद्ध ताजा हरी चटनी के साथ बहुत ही ज्यादा लाजवाब समोसा मैंने बहुत ही सालों बाद खाया हूँ शायद। तो मैं यही बोलूँगा अपने समोसा लवर, फूड लवर को कि यहाँ आएँ और समोसा का मज़ा लें। आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोग ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।